अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने या नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप बिजनेस लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये है कुछ स्टेप्स जो आपको ऑनलाइन बिजनेस लोन अप्लाई करने में मददगार साबित हो सकते हैं। रिसर्च करें। सबसे पहले आपको अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिजनेस लोन ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा। इंटरेस्ट रेट्स, लोन अमाउंट, लोन रीपेमेंट टर्म्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझें। आप ऑनलाइन कंपैरिजन वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बिजनेस प्लान को तैयार करें। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपने बिजनेस प्लान को तैयार करना होगा। ये प्लान बताता है कि आप लोन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे और कैसे आप लोन अमाउंट को वापस करेंगे। बैंक आपके बिजनेस प्लान को देखेगा और इस पर विचार करेगा। डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, जैसे कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स बैंक के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। जब आप अपने चोजन लेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें। आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स सबमिट करने होंगे। ध्यान रहे कि आप सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लोन एलिजिबिलिटी चेक करें। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले लेंडर की वेबसाइट चेक करें और देखें कि आप कितने लोन एलिजिबल हैं। इससे आपका समय बचेगा और आपको पता चलेगा कि कितना लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करें। आपके क्रेडिट स्कोर का भी बड़ा प्रभाव होता है लोन अप्रूवल पर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अच्छी क्रेडिट स्कोर लोन अप्रूवल चांसेस को बढ़ा देता है। लोन अप्रूवल का इंतज़ार करें। लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको लेंडर के अप्रूवल का इंतज़ार करना होगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए धैर्य रखें। लोन का EMI प्लान चुनें। लोन अप्रूवल के बाद आपको लोन अमाउंट और EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान को चूज़ करना होगा। ये प्लान आपके फाइनेंशियल सिचुएशन और रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्ट करें। लोन डिसबर्समेंट। लेंडर आपके डॉक्यूमेंट्स और लोन अग्रीमेंट को वेरीफाई करने के बाद लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। लोन का इस्तेमाल करें। लोन अमाउंट मिलने के बाद आप अपने बिजनेस के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नई इन्वेंट्री खरीदना, मशीनरी अपग्रेड करना या बिजनेस एक्सपांशन के लिए। ऑनलाइन बिजनेस लोन लेने से पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और लोन रीपेमेंट पर समय पर ध्यान दें। ऑनलाइन बिजनेस लोन आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, पर इसमें सावधान और सोच समझ कर कदम उठाएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।